आपने कई बार देखा होगा कि आपके मोबाइल में कई कॉल्स आते हैं या फिर कई ऐसे एसएमएस आते हैं या फिर आपके ईमेल स्पाम में जो होता है कई ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि आपको ईमेल स्पाम के द्वारा भेजे जाते हैं, यानी कि वो एक प्रकार से स्पामिंग फैलाने वाले मैसेजेस होते हैं। और आप सोचते हैं कि जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है या फिर आपके कहीं ईमेल पे कोई स्पाम में मैसेज आता है तो आप उसमें लिखा रहता है कि आप कितने की लॉटरी लग गई या फिर इतना हो गया आपका, आप इस नंबर पे कॉल करिए या फिर इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको ये चीज इतने मिल जाएगी, आपको ये सब इतने में हो जाएगा। ये स्पैमिंग कितना हद तक सही है, कितना हद तक नहीं सही है, ये जो आपको स्पैम में मैसेज आते हैं ये सही है कि नहीं सही है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पैमिंग होती है वो बिल्कुल ही गलत चीज है, यानी कि स्पैमिंग एक प्रकार से स्पैम आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। और स्पैम जो होता है वो बहुत ही यानी कि एकदम से फेक चीज है। आप अगर किसी लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर किसी वेबसाइट वगैरह पे अगर जाते हैं, मान लीजिए अगर कोई स्पैमिंग में कोई ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि मान लीजिए ये टी शर्ट या फिर ये चीज या फिर ये ब्लूटूथ या फिर ये चीज इतने की आपको मिलेगी, जो कि 400 या 4,500 या फिर 5,000 की चीज है, जो कि आपको 50 रुपए 60 रुपए में मिलने की यहाँ वहां पे दावा किया जाता है, तो वहां पे आपको ये समझिए कि ईमेल स्पैमिंग बिल्कुल यहाँ पे हो रही है, यानी कि आपको स्पैम में लाया जा रहा है, यानी कि वो सब वहां पे चीजें नहीं होने वाली है। तो आप इन सब साइटों पे ना क्लिक करें। आप जैसे ही ईमेल स्पैम पे हो जाए या फिर व्हाट्सएप पे कई बार आपके मैसेजेज आते हैं कि ये मान लीजिए ये आप करते हैं या फिर इस लिंक पे जाते हैं तो आपको ये चीज इतने मिलती है या फिर ये चीज आप खरीदते हैं आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। कहीं कहीं चीजें सही रहती हैं, लेकिन जहां पे 4,000 की बात है, अगर आपको 50 से 60 रुपए में बात किया जाता है वहां पे बिल्कुल गलत है। आप समझ जाए कि यहाँ पे मुझसे स्पैमिंग की जा रही है। तो इस तरीके से आप ईमेल स्पैम या फिर कहीं पे भी जो स्पैमिंग व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक जो भी लिंक्स पे स्पैमिंग की जा रही है आप इस तरीके उसको समझ सकते हैं। आप स्पैमिंग से बचे, नहीं तो आप फिर यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी है मोबाइल की वो कहीं और जा सकती है। मान लीजिए आप कहीं आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आप वहां पे रियली तरीके से जाके चेक कर सकते हैं अपने अनुसार। आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए ये चीज इतने में है, मान लीजिए ये चीज 4,000 की आती है, मैं आपको दे रहा हूँ 60 रुपए वेबसाइटों के द्वारा, यानी कि ये दावा किया जाता है, और वहां पे आप अगर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको दूसरे साइट पर रिडायरेक्ट किया जाता है, वहां पे पूरी डिटेल्स आपको भरने को मांगी जाती है, उसके बाद आई एम रोबोट वोट यानी कि वो सब फिलअप करने के लिए मांगता है, उसके बाद सबमिट करना होता है यानी कि आपकी पूरी डिटेल्स मांगता है। तो आप अगर कोई चीज खरीदते हैं या फिर उसमें आपके डिटेल्स की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब स्पैमिंग फैलाने वाली चीजें हैं, तो आप इन सब से बचे। मेरा यही इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली मैं यही बताने वाला था कि आप इन सब स्पैमिंग से बचे जो कि ईमेल पे हो रही है, कॉल्स आ रही हैं आपके पास, कई ढेर सारी कॉल्स आती हैं कि आप ये चीज खरीदिए आपको इतना डिस्काउंट मैं दूंगा, या फिर आप यहाँ पे आइए मैं इतना आपको दे दूंगा पैसा, आप ये इन्वेस्ट करिए, आप मेरे अकाउंट में इतना डालिए, ये कर दूंगा मैं, ये सब बिल्कुल स्पैमिंग है, इसमें आप ना फंसे। आप सही तरीके से यानी कि जो भी चीजें जैसे चल रही हैं, आप खुद ही समझदार है इतना आप जानते होंगे कि किस तरीके से आप चीजें मैनेज करनी है, आपको कितना क्या किसका रेट चल रहा है, तो उस तरीके से आप चलिए, नहीं तो आप कहीं यानी कि धोखा खा सकते हैं और आप स्पैमिंग में फंस भी सकते हैं। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको जानकारी मिली होगी कि आप स्पैमिंग से किस तरीके से बच सकते हैं और स्पैमिंग होती क्या है, कहाँ कहाँ पे स्पैमिंग फैलाई जा रही है। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई वीडियो का लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज तक लेते हैं तब तक ले।